नमस्कार। आज की विशेष बात में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि विशेष बात में हमारे साथ जुड़े हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त सारा विश्व कोरोना वायरस के साथ युद्ध कर रहा है, लेकिन आतंकवादी इसको भी एक अपना हथियार बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, आतंकवादी गुटों की तो कोशिश है कि इस वक्त जो देशों की सेनाएं बिजी हैं अपने अपने देशों की मदद करने के लिए कोरोना की लड़ाई के खिलाफ, इस नाजुक मौके का फायदा उठाते हुए वो आतंकवादी वारदातों को बढ़ाएं। ये भी सच है कि पहले भी आतंकवादियों के पास इनिशिएटिव होता था, कहां पर और कब स्ट्राइक करना है इसका फैसला आतंकवादी ही करते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस तो हमेशा रिएक्ट ही करती हैं। अब भी बेशक सिक्योरिटी फोर्सेस कोविड में मशगूल हैं, कोविड की लड़ाई के साथ शाना बशाना बाकी फोर्सेस के साथ लड़ रही हैं, लेकिन वो अभी भी मुस्तैद हैं। आतंकवादियों के खिलाफ सेना सब जगह, चाहे वो हिंदुस्तान है, अमेरिका है या दूसरे मुल्क है, वो अभी भी मुस्तैद है। आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन किस प्रकार खासकर कश्मीर के अंदर आतंकवादियों का खात्मा किया जा रहा है। ये इस बात को साबित करता है कि हमारी सेनाएं कोरोना के बावजूद बड़े मुस्तैद और अलर्ट तरीके के साथ आतंकवाद को खत्म करने में लगे हुए हैं। इसी तरह अमेरिका के अंदर भी, अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी इशू की है सबको कि इस वक्त आतंकवादियों को मौका नहीं देना है। वो पूरी कोशिश करेंगे इस कमजोरी का फायदा उठाया जाए, लेकिन सबको अलर्ट रहना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आतंकवादियों के नापाक इरादे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो पाकिस्तान के साथ अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के क्या लिंक है, उनके क्या वास्ता है उनके साथ? यह सवाल आपका बहुत वाजिब है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और आईसिस और अलकायदा का आपस में क्या संबंध है, यह जानना सबके लिए जरूरी है। देखिए, आईसिस और अलकायदा सुन्नी जिहादी ग्रुप्स हैं। ये भी बहाविज्म में बिलीव करते हैं और पाकिस्तान भी दुनिया के अंदर बहाविज्म, जो कि इस्लाम का एक एक्सट्रीम फॉर्म है, उसको फैलाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान आईएसआई और आईसिस के लीडर्स को अपनी धरती में शरण देता है ताकि वो दुनिया द्वारा चलाए गए वॉर ऑन टेरर से उनका बचाव कर सके। यही नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर इन आतंकवादी ग्रुप्स के साथ आतंकी ठिकाने और ट्रेनिंग कैंप्स भी साझा करता है। पाकिस्तान इन ग्रुप्स को अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन और इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल करता है ताकि तालिबान और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है वो कहीं टूट ना जाए। और आखिर में जो बहुत जरूरी समझने वाली चीज है वो ये है कि पाकिस्तान भी एक उसी गुट का हिस्सा है जो एक ड्रग्स कार्टल बना रखा है पूरी दुनिया के अंदर इन आतंकवादी गुटों ने, और नारकोटिक्स और ड्रग्स से आया हुआ पैसा पाकिस्तान आतंकवाद को फैलाने के लिए इस्तेमाल करता है और इन गुड्स को फाइनेंस करने के लिए इस्तेमाल करता है। ब्रिगेड साहब, इस वक्त हर कंट्री के सेना जो है, जवान जो है, वो अपने अपने देश में कोरोना वायरस के साथ जो युद्ध हो रहा है वो अपने देश में पूरा सहयोग कर रहे हैं। अपने दूसरे जो साथी हैं, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लेकिन आतंकवादी इन मौके का नजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो इसका फ़ायदा उठाकर घात लगा के छुपे बैठे हैं। जब भी मौका मिले भारत पर या अमेरिका पर वो अपना निशाना बना सकें। आदर्श जी, बड़े अफसोस की बात है कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के लड़ रही है, ग्लोबल आतंकवादी जिहादी ग्रुप जैसे कि अलकायदा या आईसिस इस समय का भी उपयोग या दुरुपयोग
आतंकवाद को बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं। हाल ही में अलकायदा के ने सोशल मीडिया पर आकर अपने कार्डर्स का मोराल बढ़ाने के लिए और नए रिक्रूटों को आमंत्रित करने के लिए कोरोना वायरस को अल्लाह का सिपाही कहा और कहा कि कोरोना वायरस अल्लाह की एक कहर है, अल्लाह की तरफ से गुस्सा है, अल्लाह की तरफ से सजा है नॉन बिलीवर देशों की, जैसे कि अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड। वो यहां तक कह रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस से नुकसान हो रहा है, अमेरिका में मौतें हो रही हैं या उसकी इकॉनमी पर असर पड़ रहा है, ये 9/11 से भी ज्यादा है। उसकी तुलना 9/11 से कर रहे हैं, अपने कैडर्स को मोटिवेट कर रहे हैं और उन्हें यह कह रहे हैं कि आप तैयार हो जाइए, आप कोशिश कीजिए कि आप इनके ऊपर हमला कर सके। यही नहीं, उनको यह कहा जा रहा है कि अगर ये समय का आप उपयोग नहीं उठाएंगे तो आप आने वाले वक्त में पछताएंगे। ये वक्त कहर डालने वाला वक्त है, एंड ऑफ द टाइम सिंड्रोम वो पैदा किया जा रहा है उनके दिमाग के अंदर। और अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड उनको नॉन बिलीवर कहकर उनके खिलाफ उनको मोटिवेट किया जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब, पीपी न्यूज लॉन्च का जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज की विशेष बातें बस इतना ही, अब इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।